ने किस तरह से रस्ते में खड़े होकर फूलों को हम पर निछावर किया, हमारी अतिथि बराबरी ने हमारे साथ इतनी मोहब्बत और का सबूत दिया और यगानियत का सबूत दिया, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके ही शुरुआत आपके कंधे से इतना मिलाकर खड़े रहेंगे, क्योंकि हम मोहम्मदी जा पीने वाले हैं, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए गुलाम है और मेरे कभी वाले मुस्तफ़ा के ज़माने में जो पहली हिजरत हुई और फिर नजाशी बादशाह ने किस तरह से मुसलमानों की इमदाद की और किस तरह से महाजरीन के काफिले करे वहाँ पर रहने का बंदोबस्त किया, तो मेरे कभी वाले मुस्तफ़ा की ज़ात के ज़माने के अंदर आप जिस तरह से उस वक्त शफकत फरमाते रहे अक्लियतों पर भी, तो हम भी उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा का मोहम्मद ही जान पीने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला अपने कभी वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत को जिंदा रखेंगे और जिस जिस बोर्ड पर आपको जरूरत पड़ी आपको अपने अकायद के हवाले से भी चाहूँगा कि अपने बेटे के लिए दुआ करना, आपकी दुआओं को लेने के लिए आया हूँ। मेरी असल जमात कुछ नहीं है, मेरी असल जमात आप है, मेरी पहली जमात आप है, मेरी सारी जमातें बाकी मेरी सियासी तंजीमें हैं, मेरे अगर लोग हैं, अगर मेरा खालसा बिल्कुल खुश है तो मैं अपने परवरदिगार के हुजूर हमेशा सरदारी रहूँगा, मुझसे कुछ गलती हो जाए मैं जानता हूँ कि बसावकात आपके पास काफ़ी हो जाती है, आपके जो जनाजे होते हैं जिस पर मैं आगे चलना नहीं सकता, आपकी बरातें चलती हैं और बरातों पर बसावकात में हाजिर नहीं हो सकता, मुझे इस बात का मुकम्मल तौर पर एहसास है और मैं शर्मिंदा भी बहुत हूँ और मैं शरफ खान भी बहुत हूँ और मैं हाथ बांध कर आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, मेरी ड्यूटी को मेरे चचा निभाते हैं, सारी बात है उन्हीं का हल्का है वो इसे निभाते हैं, लेकिन अगर मैं आपके पास कभी सोचा तो नहीं पहुंच सकता तो यकीन माने खुदा की कसम है कहीं बैठ कर पूछड़े नहीं उड़ा रहा होता या मैं कहीं बैठ कर कुछ किसी और गैर